मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं राम मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज एक थाना में डीसीपी ऑफिस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। उसके अंदर बताया गया है जो कल्याण फाटा टाइगर पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है एक सालू होटल करके है, वहां पर पुलिस ने कुछ जो एक ठगी के लोग होते हैं इनको जो है पकड़ा है। और उस होटल के अंदर जैसे कि मतलब किसी आदमी को एक लेजर का जरूरत था, लेजर जो चमड़ा आता है, और उसने जो है वहां पर देखा गया होटल के अंदर, किसी ने लाके उसको दिखाया और दिखाने के बाद में उसको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आने के बाद में वो आदमी चला गया। फिर थोड़ी दिन के बाद जो है फिर उसको कॉल किया और उसने बोला दूसरा सैंपल लेके आया हूँ, आप देख लीजिए, कुछ हमारे पास सोने का बिस्किट है वो भी देख लीजिए। तो इस तरीके से जो है उनको बुलाया फिर वही व्यापारी को, और वो व्यापारी को बुलाने के बाद में वो लेजर उसको पसंद आया और 2 लाख रुपया उसे मतलब एक टोकन अमाउंट के तौर पे लिया गया और बताया गया कि हमारे गोडाउन में रखा है और चलो वहां पर देता हूँ। इसी दौरान जो है कुछ नकली पुलिस बन के जो है 2 जन आए और उसको पकड़ लिए और बोले ये तुम लोग क्या डील कर रहे हो। तो ये उसको जब लगा कि हाँ ये धोखा मतलब जो है हमारे साथ किया गया है और ये फ्रॉड का काम है, तो वो आदमी ने जो है तुरंत जाके टाइगर पुलिस स्टेशन में FIR किया। टाइगर पुलिस स्टेशन जो है बहुत सूझबूझ के साथ में जो है वहाँ के जो सीनियर PI है अपनी टीम के साथ में जो है इसको जब मामले को दर्ज किया और इसकी इंक्वायरी किया तो ये 4 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि एक सीरियल के अंदर काम भी करता है, जो फिल्म शूटिंग होती है उसके अंदर एक काम भी करता है एक आरोपी, और ये 4 आरोपी इस वक्त पुलिस के हिरासत में है, उनसे पूछताछ जारी है। आइए देखिए क्या DCP साहब कह रहे हैं, आइए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद सुनिए। सर ये पूरा मामला क्या, किस तरह ये आरोपी लोगों को फंसाते थे? ये मामला ये है कि यहाँ पे एक लेजर व्यापारी है निशात अहमद करके, उसको लेजर की ज़रूरत थी, आरोपियों ने उसको लेजर अच्छा तरीका का लेजर देते हुए मिलने के लिए बुलाया और उसको उसने लेजर दिखा दिया, लेकिन वो लेजर पसंद नहीं आया या प्राइस में उनको जमा नहीं करके बोले कि जैसे तुम्हारी ज़रूरत है वैसे हम दिखाएंगे। कुछ दिन के बाद वापस उन्होंने उसको फ़ोन किया, बोला कि हमारे पास ऐसा लेजर आया है और अपने शालू होटल एक टाइगर पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पे उसको मिलने के लिए बुलाया, साथ में 2 लाख रुपये लेके आने के लिए बोला था उसको। जब लेजर पसंद पड़ गया तो दोनों का डील हो गया, तो बोला कि चलो घोड़ा में जाके अपन लेजर दिखाते हैं करके वो उसको उससे 2 लाख रुपये लेके घोड़ान के लिए उसने बोला कि मेरे गाड़ी की ड्राइवर के साथ बैठो और वो चले गए। ड्राइवर के साथ जब बैठने गए तो पुलिस के भेष में मतलब डुप्लीकेट पुलिस कुछ आए और वो ड्राइवर को लेके रिक्शा में डाल के भाग के लेके गए। जब आरोपी को मालूम फिरियादी को मालूम पड़ा कि अपन फंस गए तो उसने आके टाइगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी। सर ये जो नोट मिली है ये 2 लाख का है कि क्या क्या डुप्लीकेट नोट किसने दिया उनको? डुप्लीकेट नोट आरोपी ने उनको दिखाया था देने के लिए कि वो उतना ऊपर रियल नोट रखते थे नीचे डुप्लीकेट रखते थे और उस दिखाते थे कि ऐसा हमारे पास नहीं। ये जो केस है ये केस में लेदर का है, बाकी लोगों को उन्होंने ये डुप्लीकेट नोट करके डुप्लीकेट नोट या सोना ऊपर नोट नीचे कागज। सर वो लेदर गैर सही तरीके से खरीदते थे कि उसमें भी कुछ दिखाने के लिए रियल लेदर कुछ खरीदते ही नहीं थे वो? कौन आरोपी की बात कर रहे हैं ना जी? आरोपी ले वो बहाना बनाते थे, कुछ नहीं देते थे, कुछ भी चीज नहीं देते थे, वो चीटिंग कर रहे थे। इसमें टोटल कितने आरोपी हैं सर? 4 आरोपी इसमें अभी तक 4 पकड़े गए हैं, बढ़ने की आशंका है। बढ़ेगी सर। ये कुल कितने नोट थे और ये डुप्लीकेट नोट है गोल्ड है, ये किस तरीके से वो उनके पास जो लोग आते थे उनको फंसाते थे और कुछ मंदिरों से भी संबंध है क्या? मंदिरों के ये हमारे जो कंप्लेंट है उसमें मंदिरों के यार डुप्लीकेट नोट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये क्या करते थे कि किसी को बोलते थे कि सिद्धिविनायक से बड़े बड़े मंदिर का नाम लेके उनके पास जो करेंसी है 100 रुपये की या छोटी करेंसी वो देके आप बड़ी करेंसी ले वो 20% डिस्काउंट लेने के बाद वो तो उसमें व्यवहार करते थे और उसको दिखाने के लिए ये पैसा दिखाते थे, लेकिन हमारे कंप्लेंट में ये पैसा या सोने का नहीं। सर डुप्लीकेट नोट कहाँ लाया आपको? डुप्लीकेट नोट खिलौने की दुकान में।
बच्चों के खिलौने खेलने में रखते ना वो सर। इनके ऊपर और भी कोई केस है? उनके ऊपर अभी तक 4 केसेस मुंबई के बाहर थाना के बाहर है और भी हो सकते हैं। सर ये मोबाइल का यूज़ करते थे, इनके पास से बड़े पैमाने में सिम बरामद हुए, ये सिम कहाँ से खरीदते थे और इसका यूज किस तरह से करते थे? सिम आउट ऑफ महाराष्ट्र से खरीदते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा से खरीदा गया था और वहाँ से वो असम से खरीदा जाता था और वहाँ से वो सिम कार्ड लेके आती थी। सर इनका सिम का यूज़ किस तरीके से करते थे और उसका कुल कितने लोग थे और उनके ऊपर क्या प्रकार के गुनाह थे? इनका सिम का यूज़ वो आरोपी को फिरियादी या किसी कंप्लेनेंट को फंसाने के लिए उनका सिम का यूज़ किया जाता था या अपने साथीदार को मिलने के लिए, दूसरों को मिलने के लिए वो सिम कार्ड का यूज़ किया जाता था। कितने दिन की पीसी सर पिछले खबर में? इनका मेरे को ये ट्विटर ही है और चीटिंग करते हैं, इसमें से एक है वो टीवी में सीरियल में काम करता है। कितने दिन की पुलिस कस्टडी? पुलिस कस्टडी 5 दिन की। कौन सा सीरियल? ठीक है चलो, थैंक यू सर। मैं लारू मशेक फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।